जय माता जी सर। जय माता जी, जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो लाल है बट आप लोग वास्तव कुमार के नाम से बुला सकते हैं। वास्तव कुमार कहाँ से आप? मैम मैं तो नेपाल से हूँ, रौतहट जिला से बिलोंग करता हूँ। और ये जो आपने ये सूट पुट जो पहना है इज ए फॉर्मल, क्या बात है, इतना तैयार होके आयो, वेरी नाइस। मैम इतना तैयार होकर आने का इसका पछाड़ू एक छोटी सी राज है। ये जो सूट बूट देख रहे हैं हमारा खुद का नहीं है, हमारा दोस्त का है। सूट में और इस लुक में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपके साथ इतना कुछ बीता है। जी मैम, और छोटी सी गलतफहमी के कारण वो हमसे दूर चल गए। जौन समय में हमको कोई खाना देने वाला नहीं था उस समय में वो हमको साथ दिया है और आज उसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि हमारा भाई के जैसा है और हमारा भाई से भी बड़ा है। तो आज हम अपनी दोस्त के लिए गाऊंगा। मैम कैसे हैं भाई? कैसे रहेंगे सर, गरीब है, किसी तरह चल रहा है। अच्छा कहाँ से आप? सर नेपाल से हूँ और रौतहट जिला से बिलोंग करता हूँ। क्या स्टाइल में गाते हैं आप? सर हम गरीब हैं, हम लोग का स्टाइल कहाँ होती है, पहनने तक कपड़ा भी नहीं होती है, लोग हम लोग का भिखारी बोलती है। पर गायकी में इंटरेस्ट शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? हम गरीब लोग का क्या है सर, दूसरे लोग करने काम करने जाते हैं, ईटा उठाते हैं, वहीं पे दो लाइन गुनगुना देते हैं। किसी ने कहा से तुम बहुत अच्छे गाते हो, एक बार इंडियन आइडल में ट्राई करो, तो सर हम चलाए। सुनते हैं पहले फिर बातचीत करते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैम हमारा नाम तो लाल है बट गांव के लोग सत्येंद्र के नाम से जाने जाते हैं। सत्येंद्र जी आप कहां से आए हैं? मैम हम तो आए हैं नेपाल से और रौतहट जिला से बिलोंग करते हैं। वाओ, आपने पहले कभी ऑडिशन दिया है? नो मैम अभी तक नहीं दिए है। आपकी लाइफ का पहला आप किसी रियलिटी शो में ऑडिशन दे रहे हैं? जी मैम पहली बार। तो अभी तक क्यों नहीं दिया आपने ऑडिशन? मैम हम बहुत गरीब घर से हैं और लेबर मजदूर करके कैसा भी अपना घर चलाते हैं और घर के पूरा जिम्मेदारी हमारा ही मुंह पे है, इसलिए ऑडिशन नहीं दे पाए। तो इस बार कैसे सोचा आपने कि ऑडिशन देंगे? सर हम गांव-गांव में जाकर म्यूजिक सीखते थे और हमारा वाइफ का ये चीज नहीं पसंद आता था और हमारा वाइफ हमको छोड़कर चली गई। क्या बोला आपने? सर हमारा वाइफ हमको छोड़कर चली गई। इससे घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। इट्स आई थिंक हम सब उस जगह से गुजर चुके हैं। ये जो दर्द है मतलब जुदा होने का, ये कोई छोटा सा या मामूली दर्द तो नहीं होता। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। और बहुत ही निश्चिंत होके आज आप परफॉर्म कीजिए। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम तो लाल है। अच्छा कहाँ से आप? सर हम तो नेपाल से है, रौतहट जिला से बिलोंग करते हैं। आप क्या करते हैं? सर शुद्ध भावना पर खेत लेकर खेती करते हैं। आप किसान है? जी सर हम लोग तो किसान है लेकिन एक तो शुद्ध भावना पर खेत लिए है, ऊपर से बाढ़ आकर हम लोग का पूरा फसल बर्बाद कर दिए, फिर भी हम किसान लोग हार नहीं माने हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, पूरा पानी उबीज कर फिर से बीया तैयार किए हैं और जा रहे हैं रोपने के लिए, तो फिर हमारा फसल होगा। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है। अन्नदाता तो है सर लेकिन हम लोग का फसल डूब जाने से हम लोग का देह पर बहुत ज्यादा रिंग चढ़ गया है, इसीलिए सोचा से इंडियन आइडल में जाकर एक दो ठो सॉन्ग गा देंगे तो हम लोग का अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, वही पैसा लेकर हम लोग अपन कर्जा चुका लेंगे और हम लोग तो गरीब है ना सर। इतनी दूर भी आए हो तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप, ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना? नहीं सर, हम लोग का जब फसल बर्बाद हो जाते हैं तो अपना गांव छोड़कर दूसरा शहर में जाते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग का अपना गांव कैसा याद आते हैं उसी पर आज गीत गाने वाले हैं। चलिए ऑल बेस्ट।